जरा बावजू एक दो लोग बोल सकते हैं स्मरण का जी कि जरा बावजू बतौर खास मुलाहिदा फरमा ले कि वो सजदे से सर जब जब वो सजदे उठाएंगे आका जब अल्लाह से बख्शवाएंगे आका जब अल्लाह से जो मुझे पढ़नी है निजामत जनाब इब्राहिम हुसैन हबीबी की और ये मेरी नाते पाक अनायत जहां हजरत मौलाना मुफ्ती अबू ज़र साहब का मत बरकातुन जैसी अजीम शख्सियत हजरत मौलाना
तूफान उल हक साहब जैसी अजीम शख्सियत हो, माशाल्लाह ये नाम कैसे पढ़ा मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ। आइए एक मतला हाजिर करता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा मतला। थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा कुछ हो तो डाल दीजिए, ये मतला पहुँचाना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक रदीब, अजीब रदीब आएगी इंशाल्लाह, उस रदीब का पीछा कीजिएगा मुलाहिदा फरमाने। हुजूर ये मतला देखिएगा, इनायत कि उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। जरा आप बोलिएगा, आप मेरा साथ दीजिएगा कि उनके दर की, उनके दर की, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। कुल खजाना मेरे رسول جناب دل خیر آبادی سرزمین رام کی تاری مدرسہ ضیاء القرآن بھائی با۔ اب یہ میرا شعر اور مجاہد حسنین حبیبی کی نظامت، دونوں انشاءاللہ اگر ضم ہو جائے اب کچھ چیز وجود میں آ سکتی ہے۔ کیا بات ہے، ان زمانہ میرے پیچھے پیچھے چلے، लिखा एक खत। सुनिएगा, मैंने दिल के कलम, मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत। खत को लेकर फरिश्ते मदीने चले। अब राम खिलाड़ी वाले तैयार रहना, मुलाहिदा फरमाने। मना मेरे جناب دل خیر آبادی کو ایک چھوٹا سا ہدیہ جو میرے ہاتھوں میں ہے، اپنی طرف سے ایک راڈو گھڑی گفٹ کر رہا ہوں، پہنانا چاہتا ہوں۔ رنگ ان کا بلالی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سفید گھڑی انہیں بہت اچھی لگے گی، ڈائٹ تاکہ سمے دل بھائی کے ساتھ ساتھ میرا بھی اچھا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، دیکھ
ऐसा ना समझे कि लकड़े में कुछ नहीं है, खाली है, नहीं तो बाद में लोग ये कहते हैं कि कुछ सीधे साधे लोग थे, लंबा लिफाफा था, खोल के देखे तो पूरा ही साफ था, तो यहाँ साफ नहीं है।